चलो स्टार्ट करें। देखो तुम्हारे जो इसमें है ना, इसमें घनो घनाभ के क्वेश्चन तो नहीं होंगे, क्या बताना तो है ना। कुआ एक बेलन है। बेलन? हाँ बेलन कितनी फीट तक जा रही है? सारी कितनी? व्यास। चलो ध्यान दो, ध्यान ध्यान स्टार्ट करते हैं अपन लोग घनाभ, ठीक है? जल्दी खत्म करते हैं दोनों। तुम साल वाले होते हैं, नवोदय में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, छोड़ देते हैं, ठीक है? सही काम ना लिया आदमी ना, हमारे दे एक ना लिया, हमारे दे में सही सही में नहीं आते हैं, हम हमें इतने कठिन कठिन आते हैं। अरे समीकरण बाप वो तो आते हैं, समीकरण आते हैं ना सब आते हैं। जैसे ना एक जो आ तो एक मैदान में चिड़िया चल, सबसे पहले घनाभ की यदि मैं बात करूं तो ये आयत काय से बनता है? ये सही आयत है, इंग्लिश में कहा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हाँ, और वर्ग, वर्ग में स्क्वायर, तेरे को जहाँ ट्रायंगल, ट्रायंगल में बात पता है, ट्रायंगल कुल कुल बार में स्क्वायर, ठीक है? तुमको ये बर्ग नजर आ रहा है? बर्ग है? अरे यार ये देखो एल है, ये बी है, ये एच, ठीक है ना? सीधी बात याद रखो कि कैसे बनता है ये आयत से बनता है, आयत बनता है, समझ आ रही बात? आयत से बनता है। इसमें शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष आठ होते हैं, आठ शरीर में काम होता आठ होते हैं। किनारे कितने होते हैं? बारह होते हैं, शीर्ष आठ होते हैं, किनारे बारह होते हैं, समझ आएगी बात? सतह छह होती है, सतह छह होते हैं, समझ आएगी बात कि नहीं आ रही? आ रही ना, सतह छह होते हैं, ठीक। विकर्ण कितने होते हैं? सोलह, सोलह विकर्ण सोलह होते हैं, सोलह होते हैं। देखो एक्चुअली मैं बात करूं तो इसके बेसिकली विकर्ण जैसे हमने पूरे मिलाए सो सोलह हो गए पूरे, जैसे इनके साथ हम होंगे, जैसे ये वाला एक दो और कितनी सतह है? छह, तो चतुर्थी बारह तो वो हो गए है ना, और वो अंदर के विकर्ण कितने होते? चार। मतलब ये तो सतह के विकर्ण होते। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताओ कि घनाभ में सतही विकर्ण कितने होते हैं? बारह। और मतलब वो थ्री डी विकर्ण, मतलब जो इस कोना से उस कोना, उस कोना से इस कोना, वो कितने होते? सोलह, चार। समझ आ गई बात? मतलब जैसे मान लो ये डिब्बा है मेरे पास, और डिब्बा का बहुत यूज हो रहा है, तो सारी सतह है सभी ही ना है 12। जैसे देख लो ये डिब्बा है, ध्यान से सुनना, अब इसमें सतह वाले तो होंगे कि यहां से यहां पर, मतलब यहां से यहां पर सतह वाले, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक होंगे कि नहीं? तो ये तो हो जाएंगे कितने? 12 है ना, 12 हो रहे हैं, क्यों? चार तो दीवार है, एक छत इसकी फर्श है और ऊपर की छत है, तो 12 ही हो रहे हैं। लेकिन अगर इस देखो एक इस कोने से इस कोने तक, इससे इस तक एक, इससे इस तक दो, और इससे इस तक दोबारा, इससे इस तक चार, दोबारा दोबारा काम बोल रहा हूँ,
अरे देखो तुमने कह दी एस से यहां एस से ने जो का लिखे। अरे यार देखो सीट चाहिए थी उसको बना के ही बता देता मैं, फिर समझ आ गया। देखो यहां से यहां तक एक, अब यहां से यहां तक दो, यहां से यहां तक तीन, यहां से यहां तक चार, मतलब चार तो ये और साथ ही बिगड़ा कितने 12, तो टोटल कितने 16, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये विकर्ण होते हैं, कई बार पता है क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि बताओ इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, हाँ घन आपके विकर्ण की लंबाई क्या है या घन के विकर्ण की लंबाई क्या है, ऐसे क्वेश्चन अब जो भुजा दी होगी भाई उसी के अनुसार होगा, है कि नहीं। जैसे मान लो मेरे पास जैसे ये है, देखो जैसे मान लो मेरे पास, देखो यहाँ पे जैसे यहां से यहां तक देखो ध्यान से सी क्या चाहिए तो उसे मेरे को बना के बता देता, यहां से यहां तक एक विकर्ण है, अब यहां से यहां तक ये देखो और ये दो, मतलब 3D बन जाएगा, ठीक है ना, 3D आकृति है, लेकिन इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ठीक है ना। आयत वन से बनता है, सी से 8 होते हैं, किनारे 12, सतह 6, वगैरह 16, ठीक है ना। चलो इसके बाद अब क्या है यहाँ देखो, एक काम करो इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दे के समझना, ठीक है, इसको खोलना है आपको, सही सेम टू सेम बेस खुले, हाँ लेकिन बात करा दी कि लंबाई बढ़ा दी, देखो ध्यान से, लंबाई L, चौड़ाई B, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई H, हाँ ऊंचाई वही होगी ना। अरे यहाँ पे थोड़ा ये ऊंचा बन गया, लेकिन ऊंचाई एक प्रकार से यहाँ पे देखो, थोड़ा यहाँ पे देखो, ठीक है ना, क्यों L के साथ में यही है ना, B पे यही देखेंगे ना, B ऊंचाई देख लो, इसको मोड़ो तो ये देखेगी ना हमको H, तो ये भी H, ये L है, ये L है, ये L है, ये B है, ये B है, ये B है, और ये H है, समझ आ गई बात। चलिए अब ये तो B कितना है, कहाँ यहाँ पे कौन सी B, ये चारों B हैं, हाँ। ये चारों L है ना, तो बाकी सब H है, समझ आ गई बात। चलो देखते ध्यान से, आप हमारे पास कितनी आकृतियाँ, 1, 2, 3, 4, समझ आ गई बात, और 5, और यहाँ पर है 1, 6, ठीक है ना, डॉटेड है ना, डॉटेड बना दिया मैंने, ये देखो इसी के ऊपर है ना, ये डॉटेड बन गया, समझ आ गई बात। तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ आ गई बात। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बता दो, देख लो घनाभ का, देखो हमको 6 आकृति है और वो भी जैसे ये है तो इसमें 2 छुपी लेकिन है क्या है बराबर, है ना, तो यहाँ पे 2 2 नहीं 2 है, दो है ना, दो है ना साहब,
तो एक काम करो, पहले एक काम करो, अपन एक एक करके निकालते हैं, है ना। तो जैसे मैं निकालता हूँ बी गुणे एल, बी गुणे एल, इसका छेदफल निकाल दिया आपके थी पांच का, तो कितनी है लेकिन ये दो प्लस इसका निकाल दिया एल गुणे एच का, तो ये भी कितनी है दो। इसके बाद ये दोनों का निकल आया, ये दोनों का, अब यही तो बचे, तो b गुणे h, दो b गुणे h, समझ आ गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो कितना आ जाएगा a बराबर दो bn प्लस का lh प्लस का bh मात्रक। अब बात कंडीशन पे डिपेंड करेगी, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा ना तो कि एक भुजा कम है या फिर दो भुजा कम है या फिर तीन भुजाएं कम है, वो डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ आ गई बात। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है जब एक भुजा ना हो, तो देख लो ध्यान से, यहां देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, पहले तो एक काम करो, चारों दीवारों का, तो चारों दीवारों का डिपेंड करेगा कौन कौन सी दीवारें हैं, है ना। देखो पहले अपन एक काम करो, जब मान लो मेरे पास कौन सी भुजा नहीं है, मान लो ऊपर ढक्कन नहीं है ये वाला, जैसे मान लो ये है, अब इसके ऊपर तो ढक्कन है ही नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, निकालेंगे अपन लोग, नहीं निकालेंगे ना, तो अपना क्या आ जाएगा देख लो, दो बी गुणे एल, बी गुणे एच, एल एल, बी गुणे एल प्लस का, अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने दो बी एल लिख तो दिया, मैं इसको वो करूंगा, सही करूंगा, ठीक है ना। दो एल गुणे एच प्लस का दो बी गुणे एच, जय का तो लिख दिया, लिख दिया। अब ये b गुणे l कौन सी आकृति का है, इसका, लेकिन इसका तो ऊपर का ढक्कन है ही नहीं, और जब ढक्कन ही नहीं है तो दो हटा दो, यहाँ ये हो जाएगा b गुणे l, एक बचेगा ना, है कि नहीं, तो एक हो जाएगा, दो हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो नहीं समझ आएगा। अब बाई चांस ये जो है ना, देख लो ध्यान से, अब एक और बताता हूँ, बाई चांस जो ये तो है ही नहीं, कोई पीछे का भी नहीं, ये पांच को बताओ, ये पांच का है, मतलब ये ऊपर का ढक्कन हट गया ये वाला। अब सुनो ध्यान से, अब ये पीछे का भी ढक्कन हटाओ आर पार, है ना, अकेले क्या बची, ये चारों दीवारें, खोखला है जी, खोखला, मतलब लेटर भी नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो मतलब ये तो खोखला रहेगा ना पूरा, इस पास देख सकते हैं, है कि नहीं। आगे देखो तो क्या हो जाएगा, ये जब ढक्कन ना हो, जब ढक्कन, ढक्कन बोल देता हूं देहाती भाषा में, ढक्कन ना हो, ढकाना मतलब छत बोल दो, एक थोड़ा छत सही, ढकाना छत हो, छत ना हो सही, जब ऊपर की परत ना हो, छत ना हो, ठीक है ना, जबकि कंडीशन चलता है, ठीक है ना। अगला, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब, देखो ये दोनों हटा दो तो क्या हो जाएगा, दो एल प्लस का एच प्लस का दो बी प्लस का, वो बी गुणा में, अरे प्लस क्यों लगा दिया भैया, गुणा लगा, ठीक है ना। जब क्या हो, जब खोखला हो, पार्श्व दोनों सतह ना हो, क्या दोनों सतह ना हो, यानी चारों दीवार है, केवल चारों दीवार है, दीवारें सही, वो पांच में यूज हो, ये चार में, मतलब ये चार में यूज होगा, मतलब ये वाला
और ये पांचवी यूनिट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर, ए की बात चल रही है ठीक है ना, ए बराबर, ए बराबर दो एल गुणा में एच प्लस का बी गुणा में एच। नहीं मैं दो दो है दो 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 कॉमन ले रहा हूँ। हाँ बस क्यों, ये तो बीच का हट गया ना पूरा, तो मतलब क्षेत्रफल का है क्या निकालना अपन को, ये इसका, ये देखो ये वाला, इसे इसका निकालना है, ये वाला है ना, ये चीज इसका निकालना है बाहर, और बाकी ये बीच का गोल है ये गायब हो गया ठीक है, गोल ही है, समझ आ गई बात कि नहीं आ रही। तो ये अपना हो गया क्या का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा अब एक चीज तो और निकालना है, आयतन, तो घनाभ का आयतन तो सिंपल ही है LV, LV. घनाभ का एल बी एच, एल गुणा बी, घनाभ एक खट्टे लिखते हैं एल बी का आयतन गुणा एल इनटू बी इनटू एच। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, समझ आ गई बात, तो एल गुणा बी गुणा एच मात्रा क्यू, ये याद रखना ठीक है, घनाभ का आयतन तो बड़ा सरल होता है ठीक है ना, समझ आ रही बात ठीक है। 10:30 क्वेश्चन है, चलो बताओ।